आइए, आपका स्वागत है स्मार्ट नोट्स में। मैं कुमार और आपके साथ एक नए वीडियो के साथ आया हूं। और आज हम लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर पे आने वाले हैं। थर्ड जो लेक्चर है उसमें आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें मैं कुछ MCQ कराऊंगा। पहले तो कुछ बेसिक्स समझा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं MCQ पे जाऊंगा। तो पहले तो आपको ये जान लेना है क्या कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में पार्ट्स क्या क्या हैं, बेसिक पार्ट्स जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो कैसे कहाँ से क्या होता है वो आपको आज जान लेना है। उसके बाद फिर हम लोग MCQ पे जाते हैं। तो पहले तो ये एंट्रेंस ऑफ एयर होता है, फिर ये लैरिंग्स है, विंड पाइप ऑफ ट्रैकिया है, ब्रोंकियस है, प्लूरल कवरिंग ऑफ द लंग्स है, और उसके बाद एल्वियोली है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय हर्ट, ये हर्ट का है, फिर लेफ्ट लंग और राइट लंग। ये हमारा लेफ्ट लंग और राइट लंग है। फिर प्लूरल कैविटी है, बॉडी वाल है, और गुलेट और एसोफेगस है, फेरिक्स है। और आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो राइट लंग है वो लेफ्ट से थोड़ा लार्ज होता है। तो राइट लंग थोड़ा सा लेफ्ट से लार्ज होता है। अगर आपसे कोई पूछता है तो दोनों जो है उसमें से बड़ा कौन है, तो राइट वाला बड़ा होता है। तो आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। ऑर्गेन विच कम्स अंडर द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये भी हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन सा ऑर्गेन है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंडर आता है। पहला तो नजल पैसेज हो गया, जो नाक हो गया, फिर फैनेक्स हो गया, फिर लैरिंक्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गया, लंग्स हो गया, जो कि हम लोगों ने पीछे देख चुका है कि कौन कहाँ पे लोकेटेड है। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, ये आपका होमवर्क है। ये आप खुद एक बार इस वीडियो को या फिर आप जहाँ से भी नेट से भी कलेक्ट कीजिए और उसको देखिए कि क्या कहाँ से है। मैंने तो बता दिया है और मैं ज़्यादा अगर बताऊँगा तो ये लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग चलते, पहले हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में जान ले। रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो रेस्पिरेशन के बारे में जानना ही है। तो रेस्पिरेशन जो है, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज डिवाइडेड इन फोर पार्ट्स, चार पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। पहला एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जो हम लोग सांस लेते हैं वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस, जो हमारे अंदर जो पूरा अंदर गया, जो हम लोग रिस्पायर किए फिर अंदर जो लंग्स तक गया वो ट्रांसपोर्टेशन हो गया। फिर इंटरनल रेस्पिरेशन हो गया, फिर जो एक्सचेंज ऑफ गैस होता है वो इंटरनल एक्सपिरेशन होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस। और उसके बाद फिर सेलुलर रेस्पिरेशन, जो सेल में फिर जब हमारा ये एक्सचेंज ऑफ गैस होता है उसके बाद फिर सेल में जाता है, फिर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। ये चार पार्ट में बटा हुआ है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस, थ्री इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। तो आइए अब हम लोग चलते हैं MCQ पे, जो हमारा मेन थीम है MCQ जानना। और इसके बारे में जो RRB रिलेटेड, अगर आप हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइफ साइंस का, तो हम लोग का बेसिक है, मतलब जो हमारा MCQ है उसको स्ट्राइक करना है कि क्या इसमें सही है क्या गलत है, क्योंकि MCQ बेस्ड ही क्वेश्चन पूछेगा। थ्योरी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप होमवर्क घर पे पढ़िए, आप NCERT को देखिए, NCERT का बुक्स को थोड़ा आप लोग देखिए, और उसके बाद मैं यहाँ MCQ का प्रैक्टिस कराता रहूँगा ही। तो पहला क्वेश्चन जो है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय ब्लड, द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय ब्लड टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ एरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट्स। तो जो आपका जो ब्लड ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के थ्रू वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इसमें एरिथ्रोसाइट इसका ऑप्शन होगा। एरिथ्रोसाइट आपका ये रेड ब्लड सेल होता है, RBC, रेड ब्लड सेल भी इसको बोलते हैं या एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। तो आपका ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड के थ्रू वो RBC करता है। आइए सेकंड पे, ऑन द एवरेज व्हाट परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बॉडी हैज़ द एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, अब एक ह्यूमन बॉडी में कितना परसेंटेज होता है, ये 65% ऑफ ऑक्सीजन होता है। ये आपको जान लेना है कि 65% ऑक्सीजन ह्यूमन बॉडी में होता है। अब हम लोग आ गए थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन जो है, इनसफिशियंट ब्लड सप्लाई इन ह्यूमन बॉडी इज रिफर्ड एज, तो इनसफिशियंट ब्लड सप्लाई इन ह्यूमन बॉडी इज रिफर्ड एज एस्चेमिया। एस्चेमिया एक ऐसा ये जो है प्रॉब्लम है, इसमें क्या होता है क्या कि आपका ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है, जो बॉडी में ऑर्गन्स है वहाँ कम जाता है, स्पेशली हर्ट के पास कम जाता है ऑक्सीजन। तो ये एक इसमें मतलब सफोकेटिंग टाइप का प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और भी बड़ा बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसमें मतलब ब्लड का ये सॉरी ऑक्सीजन का सर्कुलेशन कम हो जाता है। अब आपको फोर्थ क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा इज एसोसिएटेड विद द डिजीज दैट इफेक्ट ऑर्गन। हाँ, माइकोप्लाज्मा इज एसोसिएटेड विद ए डिजीज, माइकोप्लाज्मा एक डिजीज़ है जो कि किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है।
एक्सक्रेटरी एक्सक्रेशन ऑर्गन को, रिप्रोडक्शन में, रेस्पिरेशन में, डाइजेशन में। तो आपको ये जो फोर्थ का जो आंसर है रेस्पिरेशन, माइकोप्लाज्मा जो है रेस्पिरेशन, माइकोप्लाज्मा अगर ये होता है तो इसमें निमोनिया, निमोनिया जो है निमोनिया हो जाता है माइकोप्लाज्मा जब ये अफेक्ट करता है एसोसिएटेड विद डिजीज, दैट अफेक्ट द ऑर्गन रेस्पिरेशन, ये निमोनिया का कॉज होता है। अब आइए चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। एनएरोबिक रेस्पिरेशन रिफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग, एनएरोबिक रेस्पिरेशन है जो कि किस से रिलेटेड है। तो ये जो है आपका रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन, इसका जो आंसर है रेस्पिरेशन विदाउट एनएरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन, एरोबिक विथ ऑक्सीजन, एनएरोबिक विदाउट ऑक्सीजन, ये आपको ध्यान रखना है। सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन में है विच ऑफ द फ्लोइंग लिविंग विंग हैज रेस्पिरेटरी सिस्टम बट डज नॉट हैव ब्रेन। हाँ, ये एक ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, ये प्रीवियसली पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको इसमें डाला हूँ। तो आप ये बताइए विच ऑफ द फ्लोइंग लिविंग विंग हैज रेस्पिरेटरी सिस्टम है बट डज नॉट हैव ब्रेन। ऑप्शन में है ए क्रैब, बी सिल्वर फिश, सी स्टार फिश, डी ब्लड सुकर। तो आपका इसमें जो आंसर है स्टार फिश, स्टार फिश को रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है बट उसको ब्रेन नहीं होता है। सेवेंथ, द मेम्ब्रेन कवरिंग द लंग इज, हाँ मेम्ब्रेन कवरिंग द प्लूरल, प्लूरा मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं जो मेम्ब्रेन कवर करता है लंग्स को। एट, टोबैको स्मोक इज इंजीरियस टू हेल्थ बिकॉज इट कंटेंस, ये सबको मालूम है कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। तो और उसमें क्या कंटेंट होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, मेलाथीन, नन ऑफ दीज है। वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो जो बहुत ही ज़्यादा ही हार्मफुल होता है। नाइन्थ, ड्यूरिंग हाइबरनेशन स्टेट, ड्यूरिंग हाइबरनेशन स्टेट फ्रॉग रिस्पायर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, आपको ये बताना है क्या कि ड्यूरिंग हाइबरनेशन जो फ्रॉग है वो सांस कैसे लेते हैं, ओनली हार्ट से, ओनली लंग से, ओनली स्किन से, बोथ लंग एंड स्किन से, ओनली स्किन से, ये सिर्फ अपने स्किन से सांस लेते हैं जब ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं। इन ह्यूमन साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय, हाँ आपको ये बताना है इन ह्यूमन साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑसोफेगस, मेडुला, एपिग्लॉटिस, लैरिक्स, लैरिक्स जो होता है वो गले के पास होता है उसी से हमारा साउंड आता है लैरिक्स। अब ये इलेवेंथ क्वेश्चन, वोकल कॉर्ड इन वुमेन आर डैश देन वोकल कॉर्ड ऑफ मेन। हाँ, कितना एमएम मतलब मेन का जो वोकल कॉर्ड होता है उससे कितना छोटा है वुमेन का। तो इसका जो आंसर है 5 mm शॉर्ट है। अगर जो मेन का जितना वोकल कॉर्ड होता है उससे विमेन का 5 mm शॉर्ट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एग्ज़ाम में आया था, वो पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये मैंने इसलिए इसमें डाला है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए वोकल कोड इन मैन आर अबाउट इतना लॉन्ग। हाँ, मैन मेन में जो वोकल कोड होता है वो कितना लंबा होता है, वो 15 mm होता है। और तो विमेन में हो जाएगा ये 5 mm शॉर्ट है तो ये 10 mm हो जाएगा विमेन में। विमेन में 10 mm हो जाएगा और मेन में 15 mm हो जाएगा। ये आप एकदम गांठ बंद कर ध्यान में रख लीजिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मेन में 15 mm का वोकल कॉर्ड होता है और फीमेल में 5 mm कम, दैट मीन्स 10 mm। ये आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है व्हाइट लंग डिजीज,